दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। आप जैसे सास हो तो कोई भी बेटी ससुराल में दुखी नहीं रहेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुरभा बेटा, तुम्हारी तैयारियां हो गई या आने के लिए? नर्मदा ने बड़े सने और दुलार के साथ बेटी सुरभा से पूछा। हाँ मम्मी, बस दो एक दिन में निकलती हूँ। सुरभा ने भी बड़े प्यार से नर्मदा की बात का जवाब दिया। अरे केसर और केसरी बहन जी, सुरभा की सास ने भी अभी तक तैयारियां कर, मैंने तो उनसे भी फोन पर कह ही दिया था। नर्मदा जी कुछ सोचते हुए कहा, मम्मी आपको पता मुझसे ज्यादा तो वहाँ पर आने का इंतजार मम्मी जी को रहता है। वह तो गर्मी की छुट्टियों का मुझसे ज्यादा इंतजार करती है। सुरभा खुश होकर बोली, अरे सुरभा बेटा, इस उम्र पर आकर बस सपनों का प्यार मिल जाए और क्या सही रहता है। सबको भी तो बहुत अच्छा लगता है जब केसरी बहन जी आती है। कभी उनकी बातों से किसी भी प्रकार से बेटे की माँ होने का दम नहीं झलकता। वरना तो आजकल के जमाने में लड़के की माँ को इतना अहंकार रहता है कि कुछ पूछो ही ना। नर्मदा कुछ सोच कर बोली, हाँ मम्मी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। कभी भी यहाँ मम्मी जी ने एक बेटे की माँ होने का दम नहीं भरा, बल्कि वह तो खुद आप लोगों के पास अब तो खुशी खुशी आना चाहती है। सुरभा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर सुरभा बेटा, जल्दी ही मिलते हैं जी मम्मी। इतना कहकर दोनों ने ही फोन रख दिया। वही नर्मदा के पास में ही बैठी उसकी छोटी बहन प्रियंका, जो कि थोड़े दिनों के लिए अपनी बड़ी बहन नर्मदा के पास रहने के लिए आई थी। वो ये सुनकर सचमुच बड़ा ताजुब लगा। अरे भाई, बेटी को तो सब कोई मायके बुलाता है, लेकिन बेटी की सास को कौन इस तरह घर पर रुकने के लिए बुलाता है? जी जी, एक बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। अरे भाई, बेटी अपने मायके आएगी, ये तो स्वाभाविक ही है, लेकिन आप तो सुरभा की सास को भी साथ में ही बुला रही हैं। यहाँ पर भी सुरभा बेटियाँ सुकून से ना रह पाए, और फिर बेटी की सास को इस तरह कौन बुलाता है? प्रियंका को तो नर्मदा की बातें कुछ हजम नहीं हो रही थी, और प्रियंका की बातें सुनकर नर्मदा 2-3 साल पीछे लौट गई। सुरभा का पति नमन नेवी में नौकरी करता था, और वह हर 2-3 महीने के बाद साल 5-5 महीनों के लिए शिव पर चला जाता था। जब तक सुरभा के ससुर जी जीवित थे, तब तक तो सुरभा के मायके आने में भी कोई भी समस्या नहीं आती थी, लेकिन जब से उसके ससुर जी का शरीर शांत हुआ, तब से उसकी सास केसरी को अकेले घर पर रहने में बड़ी घबराहट होती। जैसे ही सुरभा के मायके आने की बात सिरती, केसरी बिल्कुल बच्चों के समान रोने लग जाती और साथ साथ ये भी कहती कि बताओ आखिर मैं कैसी सास हूँ जो बहू के मायके जाने पर इतना परेशान हो जाती हूँ। लेकिन सुरभा बेटा, मैं क्या करूं? अगर मैं अकेले रहूंगी तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। इसलिए नमन भी अपनी मम्मी को लेकर बहुत चिंतित रहता था और सुरभा से खुशामंद करता था कि मम्मी की सेहत ज्यादा जरूरी है, और खैर
सुरभा को वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि केसरी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वह बहुत ही लाड प्यार से सुरभा को रखती थी। लेकिन गर्मी की छुट्टियों में तो हर महिला का मन अपने मायके आने का करता है, बस इसीलिए नर्मदा ने उस समस्या का तोड़ निकाला और सुरभा के साथ साथ वह केसरी को भी अपने घर बुला लेती। इससे केसरी अकेले भी नहीं रहती और सुरभा भी अपने मायके में रहने का अरमान पूरा कर लेती। शुरू शुरू में तो केसरी ने बिल्कुल ही साफ मना कर दिया सुरभा के मायके में आने के लिए, लेकिन जब नर्मदा ने अपनी तरफ से समझाया तब खैर वो मान गई क्योंकि वह बहुत ही सरल स्वभाव की एक समझदार महिला थी। बस परिस्थितियों से थोड़ा घबराने की वजह अक्सर परेशान हो बैठती, लेकिन जब वह पहली बार यहाँ आई तो उनके मन का संकोच भी निकल गया और उनको अच्छा भी बहुत लगा क्योंकि नर्मदा से अच्छी उनकी अच्छी पटरी खा जाती। बस इसलिए वह सुरभा से केसरी को साथ लाने के लिए कह रही थी और प्रियंका को थोड़ी सी ये बात अटपटी सी लगी। प्रियंका तुम्हारा शौक ना स्वाभाविक है, लेकिन केसरी बहन जी इतनी अच्छी और सरल स्वभाव की है कि बिल्कुल लगता ही नहीं कि वह अपनी बहू के मायके आई है। बिल्कुल घर जैसा व्यवहार करती है वह। आकर और रही बात सुरभा के मायके में आजादी से रहने की, तो सुरभा ससुराल में तो मायके से ज्यादा आजाद रहती है क्योंकि केसरी बहन जी ने कभी सुरभा को बहु माना ही नहीं, हमेशा अपनी बेटी के ही समान प्रेम किया। अभी तो तुम 2-4 दिन यहीं पर होना, मिलकर देखना उनसे कि कितनी अच्छी है वो। ये सब कहते हुए नर्मदा के चेहरे पर अपनी समधन जी के लिए प्रशंसा के भाव तैरने लगे। खैर 2-1 दिन के बाद सुरभा अपने बेटे कुंज और सासू माँ के साथ आ गई। प्रियंका को तो सचमुच बहुत अच्छा लगा कि नर्मदा जी सही कह रही थी, समधन जी तो बहुत ही सरल स्वभाव की है और एक दूसरे के साथ रहते रहते कब समय पंख लगा कर उड़ गया कि पता ही नहीं चला। और प्रियंका एक अच्छा सा एहसास और खूबसूरत याद लेकर वापस अपने घर आ गई कि अगर ऐसी समधन हो तो कोई भी बेटी ससुराल में दूर